Hello friends, IBPS RRB Pre 2018 30 days crash course में आपका स्वागत है। आज के लेसन में ratio and proportions के कुछ question discuss करेंगे। Ratio and proportion आपका quant का बड़ा important topic है। ये direct और indirect आप हर exam में देखेंगे तो 3 से 4 question आपको मिल जाएंगे। वो भले किसी DI की form में हो, direct ratio का कोई question, edges की form में हो, या कोई मिक्सर एंड एलिगेशन में वाटर और मिल्क और एसिड या वाटर और इस तरह के जो क्वेश्चन हो, या आपके पार्टनरशिप का कोई क्वेश्चन हो, तो रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने ही होने चाहिए। बड़ा सिंपल सा है, एक बार थोड़ा सा आप इसको ध्यान से पूरे सेशन को भी देख लेंगे, आई थिंक आपके समझ में आ जाएगा। चलो सेशन शुरू करते हैं। स्क्रीन पे देखिए क्या है रेशियो। क्या है? कंपेरिजन ऑफ सिमिलर थिंग्स बाई डिविजन, मतलब ये सिमिलर थिंग्स का कंपेरिजन है। जैसे मैं ये कहूं कि कोई एक स्कूल है और स्कूल में टोटल जो बच्चे हैं वो हैं 50, टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं और उसमें गर्ल्स हैं 20 और बॉयज हैं 30, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है? तो क्या हो जाएगा बॉयज और गर्ल्स का? तो सबसे पहले इसमें आप ये देखेंगे पहले क्या है, बॉयज, पहले बॉयज आएगा देन गर्ल्स है, फिर गर्ल्स पहले है तो गर्ल्स पहले। ये थोड़ा सा ध्यान से, इसमें जल्दबाजी ना करें। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है? बॉयज कितने हैं? 30 और ये गर्ल्स हैं 20। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ले आए 3:2, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। अब ये दिया हो कि कोई एक स्कूल है और उसके टोटल स्टूडेंट 50 हैं और ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या आपको नहीं देके उन्होंने दे दिया कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 का है, तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल। इसमें क्या है? तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है, जैसे ये 3 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, इन दोनों को अगर आप मिलाओगे 3 और 2 कितने हो गए? 5। 5 पार्ट की वैल्यू 50 है। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना, तो 5 पार्ट की वैल्यू अगर 50 है तो 1 पार्ट की कितनी होगी? 50/5, तो 10। तो बॉयज हो गए 10 × 3 और गर्ल्स होगी 2 × 10, तो 30 और 20, वही चीज निकल जाएगी। या आप बॉयज निकालने के लिए क्या करें, नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, बॉयज का रेशियो कितना है 3 पार्ट, टोटल रेशियो कितना है 3+2 पार्ट, और ये किसका है रेशियो 50 का, टोटल स्टूडेंट 50 है, तो 3 और 2 5, 5 से मैं अगर काटूंगा तो ये 10, 10 × 3 30, 30 आ गया। उसी तरीके से अगर आप गर्ल्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, गर्ल्स का रेशियो है 2, टोटल रेशियो का सम अगर करोगे तो ये आ गया 3+2 × टोटल कितना 50, ये फिर आपका 10, 10 × 2 20, वही चीज निकल जाएगी। तो आप इस तरीके से इनके रेशियो से वैल्यू या वैल्यू से रेशियो निकाल सकते हैं। सिर्फ ये एक कंपैरिजन है डिवीजन की फॉर्म में, एक फ्रैक्शन वैल्यू है एक तरह, कैसे बॉयज बटा गर्ल्स की वैल्यू क्या आ गई 3/2। प्रॉपर्टी इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो सब जगह अपने काम आएगी, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन विद नॉन जीरो नंबर विद ईच टर्म डज नॉट अफेक्ट द रेशियो। अब ये ऊपर का जो क्वेश्चन था इसमें जैसे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या आ गया 3/2, अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 6/4। 6:4 और 3:2 में कोई वैल्यू वाइज फर्क नहीं आया। जैसे अभी आप इसको टेस्ट कर ले, अगर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 6/4 है, टोटल है 50, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ जाएंगे 6 और 6+4 और गुणा 50, यू ही निकालते हो, तो 6×4 = 10, 10×5 = 50 और 6×5 = 30, वही बॉयज की संख्या 30 जो आपने ऊपर निकाली वही इससे निकल गई। मतलब किसी संख्या से अगर आप इसको डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, यहां जैसे, लेकिन होना सब टर्म्स से चाहिए, ये नहीं है कि आपने 3 को तो कर दिया 2 से मल्टीप्लाई और 2 को नहीं किया या 2 को किसी दूसरे नंबर से, नहीं, सिम एक ही नंबर से आप ले उसको डिवाइड कर दें या उसको मल्टीप्लाई कर दें, उसकी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये 6/4 है, अगर आप इसको दोनों को डिवाइड कर दें 2 से, 6/2 और 4/2, तो ये क्या आ जाएगा वापिस 6/2 = 3 और 4/2 = 3/2,
और तीन और दो की वैल्यू वही अभी आपने निकाली है, तीन दो के ऊपर, छह चार के नीचे एक ही वैल्यू निकल रही, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, आप इसको जरूर ध्यान रखें कि मल्टीप्लीकेशन और डिविजन विद नॉन जीरो नंबर, अगर जीरो से आप करोगे गुणा तो जीरो हो जाएगी वैल्यू, तो वो तो कोई रेशियो बचेगा ही नहीं, बट नॉन जीरो नंबर से आप नहीं उसको गुणा कर दे या उससे भाग कर दे, उससे रेशियोज की वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखें। अब एक और है इसमें, अगर आपको ध्यान है तो ठीक है, नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी ये बता देता हूँ कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:2 है, बी रेशियो सी 2:3 है, और आपसे कहे कि इनको क्लब करो, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू व्हाट, तो इसके लिए क्या करें, ए रेशियो बी, इसको आपने लिख लिया 1:2। अब जो कॉमन है, जैसे दोनों में कॉमन क्या है, बी है, तो बी को इस बी के नीचे लिख लें, बी रेशियो सी, और इसके रेशियो के नीचे लिख लें, बी रेशियो सी क्या है, 2:3, राइट। अब ये कॉमन है, मतलब ये 1:2 और ये 2:3, बस इसको आपको इक्वेट करना है, ये इक्वेट ऑलरेडी हो रहा है, तो आपका रेशियो क्या हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू हो गया 1:2:3, मतलब सिर्फ जो कॉमन टर्म है उसको इक्वेट करना है, यहां इक्वेट हुआ हुआ है ऑलरेडी, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट 1:2:3 आ गया। अगर ये नहीं होता, जैसे इसी का सेकंड देखो आप, ए रेशियो बी, ये तो हो गया आपका 3:2, और बी रेशियो सी जो है, बी रेशियो सी ये कितना है, 3:4। अब कॉमन क्या चीज है, कॉमन है आपका ये बी, यहां दो है यहां तीन है, तो अभी अपन ने ऊपर एक प्रॉपर्टी देखी कि किसी भी संख्या से अगर सभी टर्म्स को गुणा करते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको इक्वेट करने के लिए क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे को मैं कर देता हूं 3 से, जो इसमें b की वैल्यू है और इसमें जो b की वैल्यू है उसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, बट करेंगे सबसे तो ये क्या हो जाएगा, a रेशियो b, 3 को 3 से करूंगा मैं तो 9:4, और ये b रेशियो c क्या आ जाएगा, 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 9:6 और ये 9:6 आ गया, और यहां मैं करूंगा तो ये 6:8 आ जाए। अब ये जो इक्वेट करना था वो इक्वेट हो गया, तो अब आपका ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो गया, ए बी सी, ये आपका हो गया 9:6:8। तो इस तरह से इनको आप क्लब कर सकते हैं, अगर ये ए बी सी डी होता तो आप ये ऑपरेशन दो बार करना पड़ता, बाकी सिस्टम यही रहेगा, पहले ए बी सी को आप क्लब करते, फिर ए बी सी के साथ सी वो कॉमन टर्म आता, और फिर ए बी सी डी को करते। देन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन कम काम आता है लेकिन फिर भी कभी कभार इसका एक आध क्वेश्चन आ जाता है, प्रोपोर्शन क्या है, कंपैरिजन विद होल इन फ्रैक्शन, मतलब किसी भी एक फ्रैक्शन का होल के साथ कंपैरिजन है, और ये एक इक्वेशन की फॉर्म है, प्रोपोर्शन इज ए इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है पूरी, और इक्वेलिटीज ऑफ टू रेशियोज, दो रेशियोज का अगर ए बी सी डी, मैं कहूं कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, या इसको इस तरीके से लिखते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनेट सी रेशियो डी, और इसका अगर आगे आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी का क्या मतलब हुआ, ए अपॉन बी, ए रेशियो बी को मैं ए अपॉन बी लिख सकता हूं, और सी अपॉन डी को क्या लिख सकता हूं, सी अपॉन डी, सी रेशियो डी को सी अपॉन डी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो क्या आ जाएगा, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, ये एक इक्वेशन बन गई, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अगर आप देखेंगे ए और डी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो बी और सी के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा, इसमें ए और डी जो है, ए एंड डी आर एक्सट्रीम्स, इनको एक्सट्रीम्स कहते हैं, और बी और सी को कहते हैं मीन्स, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम्स और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मीन्स इक्वल होता है, और आप इसमें अगर करें तो क्या हो जाएगा, ए रेशियो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इसी तरीके से ए अपॉन अगर मैं सी करूं तो ये क्या आ जाएगा, बी अपॉन डी आ जाएगा, मतलब इससे जो भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं, सभी वैल्यू प्रयोग।
और इसमें जो क्वेश्चन जनरली बनता है वो आपसे पूछते हैं, वो या तो कोई दो वैल्यू देके आपसे थर्ड प्रपोर्शन पूछेंगे या मीन प्रपोर्शन। जैसे अगर मैं इसमें आप देखें स्क्रीन पे एबीसी आर इन कंटिन्यूअस प्रपोर्शन, अगर कोई आपसे कहे कि एबीसी प्रपोर्शन में है तो उसमें बी मीन प्रपोर्शन है और सी जो है वो थर्ड प्रपोर्शन है। और इसमें जैसे ऊपर आपने देखा तो एबीसी अगर प्रपोर्शन में है तो आप उसको कैसे लिखेंगे, ए रेशियो बी और प्रपोर्शन बी रेशियो सी, और फिर ए और ए इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू बी या बी स्क्वायर, यही काम आता है आपके मेनली प्रपोर्शन। चलो सेशन शुरू करते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे और क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्टूडेंट्स इन थ्री क्लासेज आर इन रेशियो 4:6:9। तीन क्लास हैं उनके स्टूडेंट्स हैं 4:6:9। इफ 12 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास, अगर 12 स्टूडेंट हर क्लास में बढ़ा दिए जाते हैं, द रेशियो चेंजेस टू 7:9:12 से, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन थ्री क्लासेज बिफोर द इंक्रीज। अब इसमें अगर आप देखें थ्री कोई क्लास है, मान लो कोई भी क्लास है या क्लास का सेक्शन है, जैसे ए बी सी मान लिया अपने, ए बी सी तीन सेक्शन है और उसमें क्या दे दिया, इसमें इसमें जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू क्या है, 4:6:9। और अब वो कह रहे हैं कि अगर इनमें 12-12 बच्चे जोड़ देते हैं, अगर इनमें सब में 12-12 बच्चे जोड़ दें, अगर इन सभी में अगर आपने 12-12 बच्चे जोड़ दिए, जैसे ए में कितने थे 4x, बी में थे 6x और सी में थे 9x, क्योंकि रेशियो का मतलब ये किसी न किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो सकता है, कॉन्स्टेंट एक भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है, तो अपन ने एक्स मान लिया उसको, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये 4x 6x 9x था। अब वो कह रहा है कि 4x इन सब में 12-12 जोड़ दिए तो ये संख्या क्या होगी, 4x+12, 6x+12 और 9x+12, और ये रेशियो क्या हो गया, अब इसका जो 4:6:9 था वो 7:9:12 हो गया, राइट। अब वो कह रहा है कि जो एबीसी कुल पहले जो बिगनिंग में स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी, 4 और 6 10, 6 4 10 जो 19x, टोटल कितना हो गया 19x, वो 19x की ही वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थ्री क्लासेस बिफोर द इंक्रीजेस 19x की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। अब आप इसमें अगर देखेंगे कि ये 4 से क्या हुआ 7 हुआ, ये 6 से 9 हुआ और ये 9 से 12 हुआ, सभी तीन तीन पार्ट से इनकी वैल्यू बढ़ी, और किस वजह से बढ़ी, इस 12 की वजह से, तो थ्री पार्ट की वैल्यू क्या आ गई आपकी, थ्री पार्ट की वैल्यू आ गई 12, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 12/3 4, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 4 है। एक तरह से आपकी जो x की वैल्यू है वो 4 आ गई। अब एक पार्ट की वैल्यू 4 है तो ये 19 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 × 4 = 76, तो ये 76 इज योर राइट ऑप्शन, इसको टिक करें और आ जाए। नेक्स्ट देखिए क्या है, ₹180 कंटेंट इन ए बैग इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स, द नंबर ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन इन द रेशियो 2:3:4 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द टर्म 12 एंड 24। प्रपोर्शन के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसपे थर्ड प्रपोर्शन और मीन प्रपोर्शन इनके इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो फाइंड आउट द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ द टर्म 12 एंड 24, तो इसका क्या होगा, 12 24, और मान लो एक्स है इसका थर्ड प्रपोर्शन, तो इसमें एक अपने बिगनिंग में जो प्रॉपर्टी देखी उसमें क्या देखा था कि जो एक्सट्रीम का और मीन का, एक्सट्रीम क्या हो गए 12 × x इज इक्वल टू जो मीन का स्क्वायर 24 × 24, अगर आप इसको काटें तो ये हो जाएगा आपका 2 × 24 इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 48। 48 देखिए सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
यही इसी में अगर ये एक टाइप बनी, दूसरा अगर वो आपको दे देता कि भाई 12 और 48 का, 12 और 48 का आपसे पूछ लेता मीन प्रोपोर्शन, इनका मीन प्रोपोर्शन निकालो, तो उसके लिए अपने क्या करते, वो थर्ड था इसमें मीन निकालने के लिए क्या करते एक तरह से, वो क्या है 12 रेशियो एक्स है मान लो वो, और प्रोपोर्शनेट एक्स रेशियो 48। ये शुरू में जो आपको प्रॉपर्टी बताई है उसमें क्या था, 12 × 48 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 12 × 48। अब आप इसको जितना कोई भी सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी आप कर सकते हैं, अगर मैं आगे इसको करूं तो इसको 12 और इसको मैं कर लूं अगर 12 × 4, तो आप देखेंगे कि 12 और 12 तो ये तो क्या 12 × 12 का तो हो गया 12, और 4 का 2 × 2 है तो इसका 2 निकल गया, 12 × 2 निकल गया 24 आपका आंसर आ गया। तो अगर 12 और 48 का जो ऊपर दिया है आपका 24 वही मीन प्रपोर्शन हो गया। तो थर्ड प्रपोर्शन और मीन प्रपोर्शन यही आपसे पूछते हैं, तो ये इस तरीके से आप निकालते हैं। ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। सेशन अच्छा लगा हो, हमारा चैनल अच्छा लगा हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज हमें लिखिए, कमेंट रेगुलर करते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव नाइस। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिया है, एक तो जो बैग में टोटल वैल्यू है जितने रुपए हैं वो 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे और 25 पैसे सब मिला के 180, मतलब वैल्यू जो टोटल वैल्यू जो है उसकी टोटल वैल्यू आपको दे दिया 180, राइट। तो ये जो रेशियो जो दिया है दी नंबर ऑफ 1 रुपए टू, ये 2:3:4 जो है ये आपको दे दिया उन्होंने नंबर्स में, और आपके पास नंबर्स नहीं है आपके पास है टोटल वैल्यू। तो सबसे पहले इस रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करें। तो रेशियो क्या है अगर मैं इसमें देखूं तो 1 रुपी, 1 रुपी 50 पैसे और 25 पैसे, इसकी क्या रेशियो है 2:3:4 है, ये नंबर्स हैं। अगर 2:3:4 है, अगर मैं इसको इनकी वैल्यू से जैसे सभी को मैं इनको 1 रुपए में कन्वर्ट कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 तो 2 ही रहेगा, 3 को करने के लिए क्या हो गया, 2 को तो मेरे को 1 से ही गुणा करना है क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 रुपए का ही सिक्का है, ये 50 पैसे का है तो 50 पैसे मतलब हाफ रुपीज, तो इसको 3 × 1/2, राइट। और ये 25 पैसे का है तो 1/4 रुपीज है तो 4 × 1/4। अब आप इसको अगर देखेंगे तो ये क्या आ गया 2:3:2:1, अगर इसको पूरे को सिंप्लीफाई करने के लिए ये तो 4 से 4 आपका कट गया। अब इसको 2 से मैं गुणा कर दूं पूरे को तो ये आ जाएगा 4:3:2, राइट। तो ये आपका रेशियो आ गया 4:3:2, और ये रेशियो किसका हुआ, ये आपका रेशियो हो गया। अब ये जो नया रेशियो है आपका ये वैल्यूज का आ गया, जो 180 रुपए हैं उनमें वैल्यू का जो रेशियो है वो 4:3:2, मतलब 1 रुपए के सिक्कों के रूप में जो वैल्यू है वो उसका रेशियो 4 है, 50 पैसे वाले का 3 है और 25 पैसे वाले का 2 है। अब आप क्वेश्चन पे जाइए, व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, आपको नंबर ऑफ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं उनकी संख्या निकालनी, तो सबसे पहले उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका पार्ट 50 पैसे का कितना है 3, और टोटल कितने हैं 4+3+2, और ये कितने रुपए के हैं 180, तो 4 × 3 = 7 और 2 = 9, 9 को आप इसे काटोगे तो 20 + 20 = 60, प्लस 60 रुपए ऐसे हैं जो 50 पैसे की फॉर्म में, तो नंबर्स कितने हो जाएंगे, नंबर्स हो जाएंगे 1 रुपए में 2 सिक्के होंगे 50 के, तो 60 × 2 = 120 नंबर्स, तो ये आपका 120, देखिए ऑप्शन बी इज राइट। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसको थोड़ा सा अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो प्लीज रिवाइंड करके देखें, इसमें कुछ नहीं करना आपको। आप ये देखें कि आपको उसने रेशियो किस चीज का दिया है, उसने दिया है नंबर्स का, कि टोटल वैल्यू आपको दे दी 180 रुपए और 50 पैसे 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे की फॉर्म में है, और उनके जो नंबर्स हैं वो 2:3:4 के
लेकिन क्योंकि आपके पास वैल्यू है, नंबर्स को आपको पता ही नहीं है कितने नंबर, आपके पास वैल्यू है कि 180 रुपए टोटल है, तो सबसे पहले इस रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करें कि एक रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्कों की वैल्यू का क्या रेशियो है। तो वैल्यू का आप जो भी है भाई एक रुपए रुपए में कन्वर्ट कर ले या इसको पूरे को पैसों में कन्वर्ट करें। पैसों में करोगे तो आप 180 को भी पैसों में करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको रुपए में कर लिया। तो 2 रुपए, तो रुपए को तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 1, लेकिन जो 50 पैसे है उसकी वैल्यू कितनी हुई, 1/2, तो 3 1/2 से गुणा हो गया और 4 25 पैसे की 1/4 ही है। तो ये जो रेशियो आ गया ये वैल्यू का रेशियो आ गया। वैल्यू के रेशियो से आपको पता चल गया कि 1 रुपए की फॉर्म में तो कितने रुपए हैं, 50 पैसे की फॉर्म में वैल्यू कितने रुपए है और 25 पैसे की फॉर्म में वैल्यू कितनी है। और वैल्यू जैसे ही आपके पास आई तो 1 रुपए की वैल्यू अगर 100 रुपए है तो सिक्के भी 100 ही होंगे, लेकिन 50 पैसे अगर 100 है तो आपको पता है कि 1 रुपए में 2 सिक्के होंगे तो वो 200 हो गए, और अगर 25 पैसे की वैल्यू 100 रुपए है तो 1 रुपए में 4 सिक्के होंगे तो वो 4 गुणा होगी 4। बस ये क्वेश्चन है, बहुत बार आया। नेक्स्ट देखिए, ए मिक्सर कंटेंस मिल्क एंड वाटर इन रेशियो ऑफ 7:1। On adding 10 liter of water, the ratio of milk and water becomes 7:2. The quantity of milk in original mixer is, ये जरूर ध्यान से पढ़ें कि वो बाद वाले मिक्सर में पूछ रहा है पहले वाले में पूछ रहा है। अब मैं इसको लिखूं, इसमें क्या है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे दिया आपको 7 और 1 का, 7 पार्ट मिल्क है और 1 पार्ट वाटर है। अब उसने क्या किया है, 10 लीटर पानी मिलाया, मतलब मिल्क की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ पानी की हो रही है। क्या किया इसने, 10 लीटर वाटर मिला दी और रेशियो क्या बन गया, 7:2। तो आप इसमें जब जो चीज चेंज नहीं हो रही है उसके रेशियो को इक्वेट करें, या तो फॉर्चुनेटली इक्वेटी है, जो 7 था वो 7 ही रह गया, क्योंकि इसमें मिल्क तो उतना का उतना ही है, टोटल क्वांटम तो घट बढ़ गया लेकिन मिल्क की क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अपने को सिर्फ और सिर्फ जो चीज कॉन्स्टेंट है उसके रेशियो को इक्वेट करना है, या तो बाय द वे दोनों साथ साथ थे, नहीं होते तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने को इक्वेट कर लेते अपने इसको, या साथ साथ है तो वेल एंड गुड है। अब यहां आप 1 से 2 हो गया है और ये किस वजह से हुआ, 10 लीटर पानी की वजह से, तो 1 पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, 1 पार्ट 10 लीटर। अब आप देखो क्या पूछा है, ओरिजिनल मिक्सर में मिल्क कितना था, तो ओरिजिनल मिक्सर में 7 पार्ट था तो 7 × 10 = 70 लीटर मिल्क। आप 70 लीटर पे टिक करें और आगे बढ़ें, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, ए वेसल कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 4:3। मिल्क एंड वाटर है और उसका रेशियो आपको दे दिया 4:3 का रेशियो। 14 लीटर ऑफ मिल्क इज ड्रोन एंड फिल्ड विद वाटर, 14 लीटर इसमें से निकाल लिया भाई, ये जैसे कोई भी इसमें ये मिल्क एंड वाटर है राइट, इसमें से 14 लीटर निकाल लिया और 14 लीटर आपका वाटर इसमें ऐड कर दिया राइट। अब इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान देने की है कि जैसे इसमें मिल्क में जितना भी सर्टेन क्वांटिटी थी उसमें से 14 लीटर जब निकाला तो रेशियो वाइज कोई डिफरेंस नहीं आया, क्वांटिटी तो चेंज होगी बट रेशियो मिल्क और वाटर का वही था, तो 14 लीटर निकालने के बाद में भी मिल्क और वाटर का रेशियो तो 4:3 ही रहा। फिर उसमें 14 लीटर वाटर मिला दिया प्लस 14 लीटर वाटर मिलाया और उससे रेशियो हो गया 3:4 राइट। अब आपसे पूछा है कि हाउ मच मिल्क वाज देयर इन द वेसल इनिशियली, तो इसमें वेसल में इनिशियली मिल्क कितना था। तो आप एक चीज इसमें जरूर ध्यान रखें कि जो इनिशियली था उसमें से 14 लीटर मिक्सर निकाला, 14 लीटर मिक्सर जो था, 14 लीटर मिक्सर में कितना होगा मिल्क और कितना होगा वाटर, ये जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये ऐड करना पड़ेगा, क्यों रेशियो है आपका 4:3 का, तो मिल्क कितना हो जाएगा 4/2 दोनों का टोटल 7 और गुणा 14, तो 7 × 14 = 8 लीटर तो मिल्क था जो निकाला 14 लीटर उसमें, और 6 लीटर 14 टोटल है तो 6 लीटर वाटर हो गए राइट। या आप डायरेक्ट ये देख लें कि 4 और 3 7 है टोटल पार्ट, 7 पार्ट की वैल्यू 14 लीटर है तो 1 पार्ट की वैल्यू 2 लीटर है तो ये हो गया 8, ये हो गया 6, जितना भी जल्दी आप किसी भी तरीके से निकाल पाए।
तो ये जो भी अपने आप क्वांटिटी वाटर मिल्क की आएगी उसमें ये 8 लीटर और अपने को ऐड करना पड़ेगा। हालांकि रेशियो उसका चेंज नहीं हुआ लेकिन क्वांटिटी तो चेंज होगी ना। आपने जैसे 14 लीटर निकाला बट 14 से पहले तो अलग था, अब आप इसको इक्वेट कर ले, 4 और 3 है, ये 3 और 4 है, इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि आप इसमें देखो मिल्क की क्वांटिटी वाइज तो कोई चेंज नहीं हुआ, मिला है आपने वाटर है सिर्फ। तो अगर मैं इसको 3 से कर लूं ऊपर नीचे गुणा, करेंगे सभी को, मतलब जैसे ए रेशियो बी या मिल्क और वाटर का 3:4 है, अगर मैं इसको दोनों को 2 से गुणा करता हूं या 2 से भाग देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 से दोनों को गुणा कर दिया और इनको कर दिया 4 से गुणा, तो अब क्या आ गया मिल्क और वाटर का अगर मैं रेशियो देखूंगा तो ये हो गया 12/9 और ये हो गया 12/16, और ये हुआ क्यों, 14 लीटर पानी की वजह से, पानी मिलाया 14 लीटर, तो ये तो 12 का 12 ही रह गया और ये 9 से 16 हो गया। तो 7 पार्ट का चेंज हुआ 14 लीटर से, तो 7 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 14 लीटर, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 14/7, 2 लीटर, तो 2 लीटर 1 पार्ट की वैल्यू है। तो मिल्क की आप देख लीजिए, 2 लीटर मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, मिल्क कितना हो गया 12 गुणा 2, तो 24 लीटर तो ये हो गया, और 8 लीटर जो आपने 14 लीटर निकाला था शुरू में जो उसमें था, 12 गुणा 2 24 प्लस 8 32 लीटर, तो 32 लीटर इसमें देखो, 32 ऑप्शन बी इज राइट। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए क्या, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड रहीम 10 ईयर्स एगो वाज 1:3। भाई ये राम है और ये रहीम है, ये जरूर देख लो इस क्वेश्चन को, सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं और सबसे कम इनमें टाइम लगता है। जब एजेस के क्वेश्चन में दो रेशियोज आपको दिए हैं तो हमेशा इसी से किया करो, उनसे कोई भी इक्वेशन मत बनाए करो, लीनियर इक्वेशन बना के करोगे वो लंबा हो जाएगा, सॉल्व उससे भी हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द एजेस 5 ईयर्स हेंस, 10 साल पहले तो ये कब था, 10 ईयर्स एगो, और फिर आपको क्या दिया है, 5 ईयर्स हेंस, 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या हो जाएगा इनका रेशियो, 2:3। तो ये टाइम लेप्स कितना हुआ, टाइम कितना हुआ, प्रेजेंट से ये 10 साल पहले है और ये 5 साल बाद है, तो ये हो गया 15 साल, 15 ईयर्स का टाइम। अब इन क्वेश्चंस में सिर्फ एक तो आपको ये टाइम पीरियड निकालना है कि इन रेशियोज में बीच में टाइम कितना लेप्स हुआ, तो इसमें 15 ईयर्स हो। अब इनको इनका डिफरेंस देखो दोनों का ऊपर नीचे का, 1 और 3 का डिफरेंस है 2 और 2 और 3 का है 1, ये आपको इक्वेट करना है, ये दोनों तरफ का डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए। तो इक्वेट करने के लिए क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो इसको अगर मैं 1 से गुणा करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मैं 2 से गुणा कर दूं और वो ऊपर नीचे होगा, अदरवाइज वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसको मैंने यहां 2 से गुणा कर दिया और यहां से भी 2 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 4/6, राइट। तो अब आप देखें कि 1 से 4 हुआ और 3 से 6 हुआ, मतलब 3 पार्ट का डिफरेंस आया 15 साल में, तो 3 पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, 15 ईयर्स, 1 पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, 15/3, 5 साल, 1 पार्ट की वैल्यू 5 साल है। अब आप देख लीजिए, आपसे पूछा उसने प्रेजेंट एज, रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज क्या होगी, प्रेजेंट एज राम और रहीम की अगर प्रेजेंट एज आप निकालोगे तो राम और ये रहीम आप देखोगे 10 साल पहले कितनी आ जाएगी, 1:3, तो 1 की तो आ जाए, 1 पार्ट की वैल्यू 5 है, तो इसकी आ गई 5 और इसकी आ गई 3 गुना 5, 10 साल पहले। तो अब प्रेजेंट में क्या है, 10 10 और जोड़ दो, प्लस 10 और प्लस 10, ये इसकी आ जाएगा 15 और ये 25, 5 3 15, 5 5 25, 3:5, ये इनका प्रेजेंट में हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट, इसको टिक करें। आगे नेक्स्ट देखिए क्या है, एन एम्प्लॉयर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ हिज एम्प्लॉइज इन द रेशियो ऑफ 7:4 एंड इंक्रीजेस देयर वेजेस इन द रेशियो ऑफ 3:5, स्टेट वेदर हिज बिल ऑफ टोटल वेजेस इंक्रीज और डिक्रीज एंड इन व्हाट रेशियो। अब इसमें क्या है, कोई एम्प्लॉयर है जो उसने एम्प्लॉइज रिड्यूस कर दिया, जैसे इनिशियली अगर मैं देखूं, इनिशियली क्या था उनका, इनिशियली एम्प्लॉय कितने थे, 7, एम्प्लॉइज कितने थे, इनिशियली एम्प्लॉय वेजेस और एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या हो गए,
इंप्लॉइज को भेजे से गुणा कर दोगे, तो इनिशियली और फाइनली। तो इनिशियली क्या है रेशियो, 7 है, तो अगर मैं इसको 7x इंप्लॉइज थे और वेजेस कितने थे 3:5, तो 3y मान लो इसको, तो ये कितना आ जाएगा एक्सपेंसेस, दोनों को गुणा करोगे तो 21xy। फाइनली क्या हो गया, ये रेशियो हो गया 4, ये तो ये 4x हो गया, और ये 5, तो ये 5y हो गया, और ये हो गया 20xy। अब आप इसमें देखेंगे 21xy से 20xy तो हो गया छोटा होगा, तो रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा, और रेशियो क्या हो जाएगा एक्सपेंसेस का, 21xy रेशियो 20xy, xy से xy कैंसिल, 21:20 डिक्रीज। तो ये 21:20 आपका 21 से 20 डिक्रीज हो जाएगा ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी आप टेंशन लेने, रिलैक्स होके करें, आप देखें कि क्या ये रेशियो ही रेशियो आ गए, दो में क्या करूं, कुछ नहीं है। रेशियो का क्या मतलब, किसी कांस्टेंट से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको मान लिया अपने, इनिशियली 7x थे और फाइनली कितने हो गए 4x हो गए, और वेजेस हैं ये इनिशियली 3y थे और ये 5y, क्योंकि यहां जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट है, ये जरूर ध्यान रखें। ये इसके लिए, इस रेशियो के लिए तो एक ही कांस्टेंट होगा, बट इसके लिए वो अलग होगा, दोनों के लिए एक होगा बट अलग होगा, ये ध्यान रखें और इस क्वेश्चन को आराम से।